नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। अधिकारी के श्रम विभाग में अचानक पहुंचने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। गरीब मजदूरों व श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने का जिम्मा उठाने वाले श्रम विभाग का औचक निरीक्षण जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने किया। जिलाधिकारी श्रम विभाग पहुंचते ही अजीबो गरीब स्थिति देखने को मिली। अधिकारी व संबंधित लिपिक अपनी विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी भी स्पष्ट नहीं दे पाए। साथ ही पात्रता के साथ किनको किसका लाभ दिया गया इसके बारे में भी कड़ी पूछताछ की। कुल मिलाकर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर जिलाधिकारी असंतुष्ट दिखे और इसकी शिकायत शासन को भेजने की बात कही। स्पष्ट रूप से कहा कि श्रमिकों को लाभांवित करने के प्रति सरकार गंभीर है, ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसमें तनिक भी लापरवाही हुई तो इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी और वहाँ से बड़ी कार्यवाही हो सकती है। देखिए, शासन के भले स्पष्ट निर्देश हैं कि अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं वो 9 से 11 तक जब सुनवाई करने के बाद विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करें और उसके बाद फिर बाकी अपने जो मीटिंग वगैरह उसके बाद करें। तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने कुछ कार्यालय का निरीक्षण किया था। उसमें हमारे जनपद में कुछ कार्यालय ऐसे हैं जो विकास भवन में हैं, जो सामान्यता टच में रहते हैं, पर्यवेक्षण डायरेक्ट पर्यवेक्षण में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्यालय हैं जो कस्बे में किराए पर चलते हैं।